नमस्कार दोस्तों, रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में पाकिस्तान के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर काफ़ी विस्तार से कई बातें ऐसे कही गई हैं कि जो कूटनीतिक हलकों में तूफान पैदा कर सकती हैं। सोमवार देर शाम को रिलीज़ किए गए एक स्टेटमेंट में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया सखारोवा ने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाह पर 3 अप्रैल को देश की नेशनल असेंबली भंग कर दी थी और इससे जो पहले जो भी कुछ हुआ ये सारी बातें रूस जानता है। इस साल जैसे ही प्रधानमंत्री इमरान खान की 23 और 24 फरवरी को मॉस्को यात्रा का ऐलान हुआ था, उसके फौरन बाद अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश प्रधानमंत्री पर दबाव डालने लगे थे कि अपना दौरा रद्द करें। लेकिन इसके बावजूद जब वे रशिया पहुंचे तो अमेरिका विदेश विभाग के दक्षिण एशिया मामलों के डिप्टी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत को तलब कर लिया था और इमरान खान के मॉस्को दौरे को फौरन रद्द करने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। रूस के विदेश मंत्रालय के इसी बयान में भी ये दावा किया गया है कि उसी मुलाकात में अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तानी राजदूत के सामने साफ कर दिया था कि अमेरिका के साथ साझेदारी सभी संभव है जब इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। इसके बाद जो हालत बने उसे समझने में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अमेरिका ने इमरान खान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। फिर इमरान खान की पार्टी के कुछ नेता अचानक विपक्ष के साथ मिल जाते हैं और सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। रूस के विदेश मंत्रालय के बयान में जिस अमरीकी अधिकारी डोनाल्ड लू का जिक्र है, उनका नाम इन दिनों पाकिस्तान की राजनीति में बार बार लिया जा रहा है। 28 मार्च को इमरान खान ने एक रैली में दावा किया था कि उनके पास इस बात के सबूत है कि उनकी सरकार गिराने के लिए विदेशी मदद से साजिश की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान जिस सबूत का जिक्र कर रहे थे वो एक चिट्ठी थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार ये चिट्ठी 7 मार्च को भेजी गई थी और इसके एक दिन बाद विपक्ष ने नेशनल असेंबली में इमरान खान को हुकूमत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख दिया था। फिर ये बात सामने आई कि अमेरिका में मौजूद तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद ने अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू से मुलाकात के बाद ये केबल भेजा था। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी तरफ से और ना ही अन्य किसी सरकारी एजेंसी की ओर से पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक हालत को लेकर किसी भी किस्म का कोई डिप्लोमेटिक केबल नहीं भेजा गया है। इमरान खान ने 24 फरवरी को अपनी मॉस्को यात्रा में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। यह वही दिन था जिस दिन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। पिछले 23 सालों में रूस की यात्रा करने वाले इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उनसे पहले नवाज शरीफ ने साल 1999 में रूस का दौरा किया था। मार्च में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया था तो पाकिस्तान वोटिंग से गैर हाजिर रहा था। यूक्रेन के मुद्दे पर पाकिस्तान का आधिकारिक रुख यही रहा है कि दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति के जरिए आपसी विवाद दूर करना चाहिए।